आमिर यामिन किस तरह इन्होंने बात की, आपने बहुत क्रिकेट खिलाया, आमिर यामिन को आपको लगता है कि सही यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि मेरी फीलिंग है कि आमिर यामिन जो है अंडर यूटिलाइज है इस टीम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आमिर यामिन को सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा। देखिए आमिर यामिन जो मैंने अभी बताया ना कि आमिर यामिन से नया बॉल करवाना चाहिए और आमिर यामिन सर्कल के बैट्समैन है, आमिर यामिन ऑलराउंडर जरूर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सातवें आठवें नंबर पर जाके मारेंगे, वो नए बॉल के ऊपर मैंने आपको एक बात बताई थी जहां पर बाबर आजम ने हमें ओपन करने का मना कर दिया था सिल्वर के फाइनल में अगेंस्ट हबीब बैंक, वहां आमिर यामिन ने ओपन बैटिंग की और 8 ओवर में 58 रन करे थे और नए बॉल के ऊपर, और बहुत हबीब बैंक की बहुत ही तगड़ी बॉलिंग थी। तो आमिर यामिन को की यूटिलाइजेशन जो है सही नहीं कर रहे हैं उसकी। आप देखिए हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, आपने ऑलराउंडर बनाना है, अब ऑलराउंडर बनाने के लिए आपने उसको मौका देना है, उसे मौका ही नहीं मिल रहा सही तरीके से। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ऐड करने जा रहा था, देखिए जहीर भाई के साथ मैं एक जमाने से देख रहा हूं आमिर यामिन को, और इन्होंने अपनी जेब से भी बहुत किया उस खिलाड़ी के लिए, खेल तो उसका अच्छा है मगर अब 6-7 सालों में उसको आपने इतना यूटिलाइज कर लिया और उसके पास से कुछ इंटरनेशनल मटेरियल में खेलने की मतलब उसमें कुछ नजर नहीं आया। खिलाया ही नहीं उसे इंटरनेशनल, नहीं खिलाया, मगर ये कि आपने डोमेस्टिक दो मैचेस खिलाए ना खाली टी20 के। डोमेस्टिक नहीं, नहीं, आप समझते हैं इस चीज को कि अगर किसी प्लेयर को बनाना होता है तो फिर बनाया जाता है, बिगाड़ना होता है तो फिर आमिर यामिन या जैसे कई प्लेयर उसको बनाने की कोशिश ही नहीं गई, उसमें उसका फिर उसको अंदाजा हो गया कि अब मैंने सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलनी है, पैसे कमाने, तो वो यही कर रहा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर ही नहीं रहा।